केमिस्ट्री एंड एम्बेडेड AI कोर्स तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपका डीपीपी भी आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीपीपी का रिजल्ट भी ड्रॉप किया था। वन बाय वन इसी तरीके से आपके आफ्टर टेस्ट ओरल टेस्ट होंगे, इसके अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। सभी स्टूडेंट जो है अपना फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, सभी स्टूडेंट्स अपना फ्रंट कैमरा जो है ऑन करें, एटलीस्ट जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए। यस प्लीज क्विक मेहनाज, कृष्णा, हरिशिता, अरमान, I am audible to all of you? Yes, sir. Okay. So, बाकी जो remaining student है, ओके मेरा क्वेश्चन सबसे पहले अरमान से है। अरमान आप बताइए, जो अपने आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बात करते हैं इन कंपैरेटिव टू सुक्रोज, आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस होते हैं उनको ये जो स्वीटनिंग पावर होती है उसको कंपेयर करते हैं अपने, तो कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनेस अपने यूज करते हैं और उन स्वीटनेस की जो स्वीटनिंग पावर है वो इन कंपैरेटिव टू सुक्रोज क्या रहती है, डिफाइन करेंगे। अरमान क्विक माइक जो है वो आप अनम्यूट कीजिए अपना। अरमान यस नाउ यू आर ऑडिबल। यस एस्पार्मेट, सैकरिन, एलिटमैन, सुक्रोलोज, इसका सर वैल्यू होता है सर एस्पार्मेट का 100, सुक्रोलोज का सर 600, एलिटमैन का 2000 और एक सैकरिन का सर 550 सर। एस्पार्टेम, स्वीटनेस वैल्यू सैकरिन और थर्ड वन आप सैकरिन, थर्ड वन देखने में मिलता है सुक्रोलोज एंड फोर्थ वन सुक्रोलोज एलिटेम। एलिटेम फर्स्ट वन 100 टाइम्स, सेकंड वन 550 टाइम्स, थर्ड वन 600 टाइम्स एंड फोर्थ वन जो आपका एलिटेम होता है वो 2000 टाइम्स होता है। ओके इनमें से जो आइसक्रीम के अंदर अपने यूज करते हैं, आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, इट मींस कि जब टेम्परेचर कम रहता है तो उनकी स्वीटनिंग पावर लो टेम्परेचर पर। हाँ जी तो डिफाइन करें कि लो टेम्परेचर एस्पार्टेम का सर उसका प्रोनंसिएशन रहता है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम बोला जाता है उसको बेटा। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आप स्टिल अपना कैमरा जो है ऑन रखेंगे, अपना माइक आप म्यूट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ज्योतिर्मयी पटनायक। यस प्लीज आप अपना फ्रंट कैमरा जो ऑन कीजिए और जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो अपना फ्रंट कैमरा ड्यूरिंग योर गूगल मीट आप जो है ऑन रखें। क्विक यस हाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आप ये बताइए कि जो कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं और एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड एनायनिक डिटर्जेंट डेली रूटीन का अगर अपने एग्जांपल आपसे पूछें तो आप एनायनिक डिटर्जेंट को कहाँ यूज करते हैं और कैटायनिक डिटर्जेंट को कहाँ यूज करते हैं। क्विक सर एनायनिक डिटर्जेंट यूज्ड इन टूथपेस्ट, हाउसहोल्डिंग मटेरियल्स एंड कैटायनिक डिटर्जेंट यूज्ड इन शैम्पू, जर्मिसाइडल पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड सोप, सोप्स आर मेड विद ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। डिटर्जेंट डिटर्जेंट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन एनायनिक।
मेजर डिफरेंस बेटा इनके अंदर ये रहता है कि आप डिटर्जेंट की जब भी बात करते हो तो जो आपका सॉल्ट बनता है वो सल्फेटेड सॉल्ट होता है। जब अपने सोप की बात करते हैं तो आप RCONA आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सॉल्ट जो बनता है वो आपका कार्बोक्सिलिक बेस्ड होता है, बट जब इन केस ऑफ डिटर्जेंट्स की जब अपने बात करते हैं तो सल्फेटेड सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। आपको H2SO4 के साथ में पहले उसको हीट करना पड़ता है। अगर आपको मेजर डिफरेंस का बोलें तो आप मेन स्ट्रक्चर पे जाइए कि स्टीरिक एसिड सोडियम स्टीरेट होता है वो डायरेक्टली क्या होता है सोडियम स्टीरेट, बट वहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करते हो सल्फोनिल फॉर्म यूज होती है, तो उस चीज का एक छोटा सा आप ध्यान रखें। सल्फोनिल इन डिटर्जेंट जब अपने H2SO4 यूज करते हैं इन डिटर्जेंट्स कैटायनिक जो सॉरी एनायनिक जो आपका रहता है उसमें H2SO4 से पहले ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि डिटर्जेंट यूज क्यों किए जाते हैं, मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप्स, ये आप मुझे बताएं। What is the advantage of detergent over soaps? Yes, please. मोहम्मद आमिर आपसे है मेरा ये क्वेश्चन, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप्स। सर जो जो डिटर्जेंट होते हैं सर वो सॉल्ट जैसे हार्ड वाटर का यूज करेंगे तो जो सोप होगा वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा सर हार्ड वाटर में, और जो जो डिटर्जेंट होंगे वो आसानी से मतलब उनसे थोड़ा इफेक्टिवली वर्क करेंगे, क्योंकि सर हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और उसके मतलब सॉल्ट होते हैं ना मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो हार्ड वाटर के अंदर जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट कौन कौन से होते हैं आपने कौन कौन से बताए अभी? मैग्नीशियम और कैल्शियम। ओके गुड, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कृष्णा कदम से, यस प्लीज आप मुझे डिफाइन करें कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं आप उनको डिफाइन कीजिए। कृष्णा कदम से मेरा एक क्वेश्चन है मोहम्मद, आप जो है ट्रैंक्विलाइजर्स जो है वो डिफाइन करें बेटा। यस प्लीज आप अपना पूरा सभी स्टूडेंट्स जो अपना फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे। यस मोहम्मद आमिर आप जो है डिफाइन कीजिए व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजर। यस सर ट्रैंक्विलाइजर में सर जो इप्रोनियाजिड और फेनिरामीन इप्रोनियाजिड और फेनाइलजिन जिसे नार्डिल भी बोलते हैं सर ये जो होते हैं ये वर्क करते हैं एंटी डिप्रेसेंट की तरह वर्क करते हैं और जो इक्वेनिल जो है किसके बारे में इक्वेनिल जो होता है सर वो एंटी मतलब वो पहली बात तो सर वो एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी वर्क करता है, दूसरी बात क्या है कि सर मतलब एंटी जब रिड्यूस करता है सर। ओके कृष्णा कदम आपने हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस सर हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है सर ये ऑलरेडी आपके नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया है बेटा और उसको सर हाइपरटेंशन और ठीक है बारबिट्यूरेट बेस जो होते हैं बारबिट्यूरिक जो एसिड होता है उस पे बेस ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो बताएंगे मुझे हर्षिता। यस प्लीज सर वेरोनेल एमाइटल वेरोनेल एमाइटल नेम्ब्यूटल लुमिनल सेकनल। वेरी गुड, और उसके अलावा टू अदर जो मेंशन है दो और भी मेंशन है वो आप मुझे बताएं। सर वैलियम और सेरोटोनिन। वेरी गुड ठीक है माय नेक्स्ट क्वेश्चन और मेहनाज गोवार, यस प्लीज आप अपना फ्रंट कैमरा जो ऑन कीजिए। यस आप मुझे बताएं मेहनाज जी सर। यस प्लीज आप मुझे बताएं व्हाट इज द बैक्टीरियोसाइडल एंड डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो अपने बनाते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं उस केस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक।
बैक्टीरिसाइडल वो होते हैं जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को, जिनमें आते हैं ऑफ्लॉक्सिन, पेंसिलिन और एसिड ग्लूकोसाइड, अमाइनो ग्लूकोसाइड। और जो बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं लेकिन इफेक्ट करते हैं उन्हें, ग्रोथ को जो है वो फर्दर इंपेयर करते हैं, बैक्टीरिया स्टैटिक जो होते हैं। यस प्लीज। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रोहित। रोहित, आप अपना फ्रंट कैमरा जो ऑन कीजिए, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट भी अपना जो है फ्रंट कैमरा ड्यूरिंग मीटिंग आप ऑन रखें, ताकि एटलीस्ट मुझे ये बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ आप रीडिंग कर रहे हैं या फिर प्रॉपरली अपना ओरल टेस्ट दे रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। यस प्लीज। रोहित, आप डिफाइन करें, मिनिमम टू ड्रग्स के नेम बताइए जो एज एन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यूज की जाती है, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड द नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ द एंटीबायोटिक्स। रोहित, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Rohit, last call for Rohit. Okay, next. Next, Navya. Yes, please. आप define करें, what is the difference between the broad spectrum and the narrow spectrum drug, and what is the example of broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics? Navya. डिफाइन कर रहे हैं आप। नेक्स्ट स्वप्निल। स्वप्निल, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक यस सर। ओके, सो रिस्पॉन्स स्वप्निल, नव्या एंड रोहित, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसा देखो मैं आपको बता देता हूँ। यस सर। आप तीनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मैं तीनों से पूछे जा रहा हूँ कि आप मुझे आंसर दें, आंसर दें, स्टिल आई थिंक कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्लियर कट आपको एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स दी हुई हैं, माइक्रोबियल ड्रग्स के अंदर लास्ट में आपको डिफाइन किया हुआ है पेनिसिलिन जी के बारे में, एंड उसकी जो डेरिवेटिव्स हैं उन डेरिवेटिव्स के बारे में डिफाइन किया हुआ है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यूज में आती हैं और नैरो स्पेक्ट्रम में यूज में आती हैं। ठीक है, तो वेट अ मिनट, तो सबसे पहले तो ये कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बता देता हूँ, नीट कागजी पूरी टीम आपके साथ में लगी हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी तरफ से रिस्पांस, सभी स्टूडेंट की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है वो ये बोल सकता हूँ कि एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं है। आप लोगों को बोलने के बाद भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कृष्णा मैंने आपसे पूछा, आपने आंसर नहीं दिया, स्वप्निल, रोहित, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एट द एंड अगर अपने बात करते हैं तो फिर फर्दर आपको पता है कि इस चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अभी भी जो री एग्जाम आपका 4 सितंबर को हुआ था उसमें भी मैच द कॉलम आया था, टॉयलेट सोप क्या होता है या फिर मेडिसिनल सोप क्या होता है या फिर ट्रांसपेरेंट सोप क्या होता है, उसका एक मैच द कॉलम आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं और मेमोरी बेस जो है, जिस स्टूडेंट को याद होता है वो लीड कर जाता है, जिस स्टूडेंट को याद नहीं होता है वो लीड नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा मोमिन, मिनरल मोमिन से है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सभी स्टूडेंट अपना माइक जो वो म्यूट कर दीजिए। मिनरल मोमिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, सो आप मुझे डिफाइन करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? सर, एंटीसेप्टिक जो होता है वो मतलब इंजेस्टेड नहीं होता है, और
मतलब ऐसे कोई कहीं पे काट गया हो तो उसमें लगाते हैं एंटीसेप्टिक, मतलब थोड़ा सा कंसेंट्रेशन वाला होता है, और जो डिजेनिट्रेशन होता है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होता है, जैसे कि डेटॉल होता है एक जायरीफिनॉल और क्लोराम क्लोराजाइनिल टर्बिनियोल टर्बिनियोल और जैसे कि होता है बोरिक एसिड होता है, जैसे कि आँखों में जब मतलब लैब में कुछ हो गया तब आँखों के लिए होता है, और बाकी रिमेनिंग एग्जांपल जो है वो मुझे अब निखिल कुमार आप मुझे रिमेनिंग एग्जांपल्स बताएंगे डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स के, जो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में गिवन है वो एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे क्विक। सर एंटीसेप्टिक का फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल में क्लोराजाइनिलोन और टर्पिनियोल, फिर बिथियोनल जिसको बिथियोनल भी बोलते हैं, बाईथायोनल जो सोप के अंदर एज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, बाईथायोनल प्रोनंसिएशन के अंदर आएगा बाईथायोनल। ओके नेक्स्ट। ओके सर बाईथायोनल और बाईथायोनल भी बोलते हैं उसको, फिर टिंचर ऑफ आयोडीन, देन आयोडोफॉर्म, फिर बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, फिर 0.2% फिनॉल यूज होता है, और सर डिसइंफेक्टेंट में 0.2 to 0.4 ppm का क्लोरीन, फिर लो कंसेंट्रेशन वाला सल्फर डाइऑक्साइड 0.4 ppm का, यस गाइस क्या होगा क्लोरीन। ओके और अगर SO2 का लो कंसेंट्रेशन 1% अगर फिनोल यूज करते हैं, 1% फिनोल कैन बी यूज एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। सर डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट की तरह अपने उसको यूज करेंगे। ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अक्षता सिंह। अक्षता सिंह individually cannot behave as, cannot use as an antiseptic, both are the fixed ratio. A fixed ratio when we mixed terpinol and chlorogenol can behave as an antiseptic like in Dettol. So, yes, okay, Akshita Singh. Sorry sir, my net is lacking. Okay, beta, aapko pehle hi information hai, to aap pehle se us pe reh rahe. Okay, no problem. My next question is for Deepa. बाकी सभी स्टूडेंट जो है अपना माइक म्यूट कर दीजिए। यस दीपा आई एम ऑडिबल टू यू। ओके सन्निधि साहू आई एम ऑडिबल टू यू। Sannidhi Sahu, I am audible to you. Okay. My next question is for Krishna. Krishna Kadam. Yes, please. Yes, sir. अब मुझे टू एंटा एसिड्स के नेम जो है वो डिफाइन करें। टू एंटा एसिड्स जो अभी मार्केट के अंदर सर एंटा एसिड के दो। यस प्लीज सर सेमीटाइडिन और रेनिटाइडिन। सर रेनिटाइडिन। वेरी गुड सेमीटाइडिन एंड रेनिटाइडिन।
ओके और नेक्स्ट जो है आप डिफाइन कीजिए एंटी हिस्टामिन. एंटी हिस्टामिन जो है टू एंटी हिस्टामिन आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है. टू एंटी हिस्टामिन के नेम जो है वो आप डिफाइन कर क्विक. स्टिल कृष्णा I am audible to all of you guys. I am audible to all of you guys. स्क्रीन जो है ओके नाउ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. यस सर. ओके सो अब आप मुझे डिफाइन करें एंटी फर्टिलिटी ड्रग. अरमान क्विक जल्दी से एंटी फर्टिलिटी ड्रग आपकी एनसीईआरटी ने डिफाइन की हुई है. नोवेस्ट्रोल नोरिथ्रेडिन. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी नेक्स्ट है हर्षिता से. मेरा क्वेश्चन है हर्षिता से. हर्षिता आप डिफाइन करें जो फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर अपने क्या क्या यूज कर सकते हैं क्विक. हर्षिता आई एम ऑडिबल टू यू. हर्षिता आई थिंक इंटरनेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार. हर्षिता आई एम ऑडिबल टू All of you? Yes, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. मोमिन हर्षिता आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. हर्षिता आई एम ऑडिबल टू यू. स्टिल आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा. ओके नाउ हर्षिता आई एम ऑडिबल टू यू. यस सर. ओके तो आप डिफाइन करें जो फूड प्रिजर्वेटिव्स है. फूड प्रिजर्वेटिव्स आपको लिखवाए गए थे कि एज एन किन किन कंपोनेंट को अपने एज एन फूड प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं क्विक. यस सर. सोडियम बेंजोएट सॉर्बिक एसिड प्रोपानोइक एसिड टेबल सॉल्ट टेबल सॉल्ट ऑयल केन शुगर. ओके वेरी गुड. एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताइए मोमिन. सर एक बीएचटी होता है और बीएचए होता है मतलब ब्यूटाइलेट ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टी फॉर ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी. वेरी गुड. नेक्स्ट रोहित. रोहित आप मुझे सुन पा रहे हैं. रोहित आप मुझे सुन पा रहे हैं. ओके नेक्स्ट अब डिफाइन करिए नव्या. नव्या नव्या रोहित आप सुन पा रहे हैं तो फिर फर्दर
डिफाइन करें व्हाट इज एनाल्जेसिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक ड्रग क्विक. ओके नवे आप डिफाइन करें. माइक ऑन नहीं हो रहा है बेटा आपका, एक सेकेंड मैं ट्राई करता हूँ. आप अनम्यूट कीजिए बेटा, अब हो जाएगा. ओके नव्या आप डिफाइन करें. रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर. तो नव्या रोहित ज्योतिर्मयी पटनायक प्लीज आप अपना माइक जो एक बार चेक कर लें और अपना, क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन और निखिल कुमार. निखिल कुमार प्लीज आप मुझे डिफाइन करें व्हाट इज एनाल्जेसिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक ड्रग्स. सर एनाल्जेसिक्स हमारे पेन किलर के लिए यूज होते हैं. जो नॉन नारकोटिक ड्रग्स होते हैं दे आर नॉन एडिक्टिव, बट नारकोटिक ड्रग्स होते हैं दे आर एडिक्टिव. नारकोटिक ड्रग्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन. नॉन नारकोटिक ड्रग्स जैसे एस्पिरिन और पैरासिटामोल. वेरी गुड. एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल नॉन नारकोटिक ड्रग्स के अंदर आते हैं. ओके सो इसी तरीके से आपके काफी सारे ओरल टेस्ट जो है आफ्टर आपके चैप्टर्स लिए जाएंगे वन बाय वन, और उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अभी आपने होप सो डीबीपी सॉल्व कर लिया होगा, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है जिन्होंने डीबीपी सॉल्व करके भी अपना स्कोर जो है वो ड्रॉप नहीं किया है. तो एक चीज का आप खास ध्यान रखना, जिस तरीके से पूरी टीम आप लोगों के साथ में लगी हुई है, होप सो आपको सबको समझ में आ रहा होगा. जैसे कि आपका बैच का नेम ही है मेरा सिलेक्शन पक्का, तो आप लगातार बने रहें. क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अपना एंथुसिएज्म खो देते हैं कि चलो ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है. काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं आप देखें आपके ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टिल ज्वाइन कितने स्टूडेंट्स ने किए हैं. तो आप अपने ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को बताएं, अपने भाई बंधुओं को बताएं कि किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं. देखो आप सभी के लिए ही हम, आप जिस तरीके से प्रोसीड करेंगे उस तरीके से आप लोगों से प्रोसीड करने के लिए तैयार हैं. बट आपको एट द एंड सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. तो वही है वन बाय वन आप सभी. केमिकल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं, केमिकल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो पेनिसिलिन जी की जो स्ट्रक्चर दी हुई है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, अच्छे से देखना है. और उसमें अर्सफेनामिन जो आपको दिया हुआ है, सेल्वर्सन जो दिया हुआ है, उनकी स्ट्रक्चर्स को एक बार एनालाइज कर लें. बस कल को स्ट्रक्चर देकर आपसे पूछ लेगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है, उससे पहले के स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है. हिस्टामिन्स वगैरह जो है या फिर फर्दर आपके ट्रैंक्विलाइजर्स जो दिए हुए हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है. प्रोंटोसिल इंपॉर्टेंट है, सेल्वर्सन इंपॉर्टेंट है, अर्सफेनामिन सल्फरसन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और पेनिसिलिन जी इंपॉर्टेंट है. जो मैंने बोला है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी सभी ऐसा सच नहीं पूछे जाते. लास्ट नीट हिस्ट्री या 15 इयर्स के मैं अगर पेपर्स की बात करता हूँ तो उनमें कभी भी नहीं पूछा गया है. ठीक है, तो चाहे वो नीट हो या फिर जेईई हो, तो आप इस चैप्टर को आपको हमेशा रिवाइज करना ही करना है. आप ये सोचो सुबह उठो तो आपको 10 या 15 मिनट लगेंगे पूरे चैप्टर के. अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो 15 मिनट्स पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा. और एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के अंदर 101% फिक्स है कि आएगा ही आएगा. सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपको याद है तो आप कर जाओगे, याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे. और यही जनरल क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंस डालते हैं, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस डालते हैं. सो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया. बट बाकी सारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं आपके ग्रुप के अंदर जिन्होंने स्टिल नहीं ज्वाइन किया है. आप सभी अपने ग्रुप मेंबर्स को बताना किस तरीके से आप लोगों का रहा. बट हाँ, इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने जवाब भी नहीं दिया है, लाइक दीपा, रोहित, मैं अगर बोलूँगा स्वप्निल है, नव्या है. आप लोगों को नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी तरीके से कोई मौका नहीं दूंगा, और ना ही मैं आपको इस तरीके से टैकल करूंगा. मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एट द एंड याद होनी चाहिए चीज़ें जो आपको करवा दी, पढ़ा दी. आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से, आप उसके नोट्स बनाएं, बार बार उनको आप रिवाइज करें. जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी लिखें, जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने ग्रुप के अंदर पूछें. बट स्टिल रिस्पॉन्स जो है वो मेरे पास आना चाहिए. ओके
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. और लास्ट एंड फाइनल एक चीज और बोलूंगा कि आपके भाई बंधुओं को थोड़ा सा मोटिवेट करना ग्रुप में, ताकि एटलीस्ट वो इस तरीके की मीटिंग्स जो है वो स्किप ना करें. ओके हाँ बेटा बोलिए, आप कंसर्न था आपका. सर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे एग्जाम नहीं हुआ था. सेल द यूनिट हाँ होगा बेटा, उसका भी मिल जाएगा आपको, चिंता मत करें आप. पेपर ऑलरेडी तैयार है, बस मैं ये वेट कर रहा था कि बायोमोलिक्यूल आपका हो जाए, और उस बीच में मैं अभी आपको नहीं छेड़ूंगा बायोमोलिक्यूल, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिल ही रहा होगा. काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और कैसे कैसे वो ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो से कनेक्ट करता हुआ मैं लेकर के चल रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आप बहुत अच्छा प्रोसीड करें उसके अंदर. ठीक है वो होगा. और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट प्रिपेयर है, पर वो है कि मैं एक टाइम देख रहा हूँ जिस ड्यूरेशन के अंदर आपको लेक्चर ना दे करके और टेस्ट आपका लिया जाए, तो वो आपके ग्रुप के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है बेटा. ओके ओके खुश रहो सभी, और इसी तरीके से जो है पढ़ते रहो. और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो है वो अच्छे से जवाब दें, और सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो एटलीस्ट. ओके ऑल द बेस्ट सर. और जो एक क्वेश्चन बेटा बोलिए. सर एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में जो मतलब 20 नंबर क्वेश्चन था वो, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था. हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही उसका आंसर है, बाकी सभी तो एज एन फूड प्रिजर्वेटिव इतना यूज में आते ही हैं. बेंजोइक एसिड है या फिर फर्दर सोडियम बेंजोइट आप बोल सकते हो, या फिर प्रोपेनोइक सॉर्बिक एसिड हो गए हैं, या फिर आपका कैन शुगर है, या फिर सॉल्ट है, तो जनरल है वो. उसके अंदर ये है कि आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका आंसर जाएगा, वो मैंने अभी उसके अंदर दिया था, सेकेंड आंसर है उसका. तो ओके ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अपने भाई बंधुओं को मोटिवेट कीजिएगा. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके बेटा.